नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। बीएनएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी का धान किया गया जब्त, तहसीलदार नागरिक आपूर्ति निगम और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। भरवेली थाना क्षेत्र के मानेगांव में तहसीलदार नागरिक आपूर्ति निगम और पुलिस टीम ने देर रात संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए यूपी के धान को जब्त करने की कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने ट्रक से लगभग 675 कट्टी धान जब्त किया है, जिसमें से कुछ माल गोदामों में खाली हो चुका था, वहां वजह से गोदाम को भी सील किया गया है। वहीं ट्रक को भी थाने में खड़ा करा दिया गया है। बताया गया है कि एक राइस मिल संचालक के द्वारा यहां धान बुलवाया गया था, लेकिन उसके यहां खाली न होकर मानेगांव में किसी अन्य व्यक्ति के गोदाम में धान खाली किया जा रहा था। बता दें कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ है। ऐसे में यूपी का धान यहां आना कई तरह के संदेह को जन्म दे रहा है। जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में अधिक वाजिब मूल्य मध्य प्रदेश में धान का किसानों को दिया जाता है, जिसका लाभ बिचौलिए और मिलर्स उठाते हैं और अन्य राज्यों से घटिया सस्ता धान लाकर साठगांठ करके यहां बेच देते हैं या तो मिलिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस मामले में भी इसी तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल तहसीलदार की संयुक्त टीम मामले बारीकी से जांच कर रही है, इसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार ने बताया कि हमको अन्य राज्य का अवैध तरीके से धान के लाए जाने की सूचना मिली थी। पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज उनके पास नहीं थे, इस वजह से धान को संदिग्ध मानते हुए जब्ती की कार्रवाई की गई है। अभी ठीक 7:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन पर अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर बाहर स्टेट का आया हुआ धान खाली किया जा रहा है, और उस सूचना के आधार पर नागरिक आपूर्ति के जूनियर नागरिक आपूर्ति अधिकारी में और हमारा थाना प्रभारी भरवेली, हम तीनों वहाँ पर पहुँचे तो मौके पर पाया कि ट्रक से एक ट्रक जो यूपी से आया था उससे धान निकाल करके एक व्यक्ति हमारे गाँव के उनके कैंपस में खाली कराया जा रहा है, और पूरा जो धान है वो लगभग 675 कट्टी पाया गया है। 450 से 500 कट्टी धान उनके कैंपस में खाली कराया जा चुका था, और बाकी का जो धान की कट्टियाँ हैं वो ट्रक में पाई गई थी। चूँकि मौके पर हमें पूछताछ में पता गया कि उनके मौके पर कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं थे, ना बेटी थी, और इसीलिए धान को संदिग्ध मानते हुए हमने ज्वाइंट रूप से उसको जब्ती की कार्रवाई की है। जो ट्रक है वो जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है, और बाकी जो कैंपस में माल था वो अभी चूँकि उसको उठाया नहीं जा सकता था, जो कैंपस प्रभारी हैं, जो मालिक हैं, अभी आगामी कार्रवाई तक उनकी सुपुर्दगी में दिए गए, उनको निर्देशित किया गया कि जब तक कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसमें से किसी प्रकार का, देखिए इसके बारे में तो अभी बहुत स्पष्ट रूप से हम नहीं बोल सकते हैं, परंतु जैसे बाकी जिलों से या बाकी शहरों से जानकारियाँ आ रही हैं कि बाहर के धान लाए जा रहे हैं, उसी तरह का यह प्रथम दृष्टि समझ में आता है कि यूपी इतने दूर से कानपुर से धान यहाँ पर लाना, और हमारे प्रथम दृष्टिया जो हमने जांच की तो धान की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। ये संभावना हो सकती है कि इस धान को किसी अन्य जगह पर उसका दुरुपयोग करके खपाया जा सके, तो इसीलिए हम इसको संदिग्ध मानते हुए जब्त किया है, और आगे जब इस पर जांच होगी और जो धान जिनके द्वारा बुलाया गया है उनके बयान भी हमने लिए हैं तो कल कार्रवाई करके प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय प्रेषित प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद जो भी अगर गलत पाया जाएगा तो निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होगी, और इसके माध्यम से आम जनता की तरफ मैसेज जाएगा कि बाहर के जो इस तरह के खराब धान यहाँ पर लाए जा रहे हैं, अगर लाए जाते हैं तो हमको जैसे जानकारी मिलती है हम बिल्कुल उसको जब्त करेंगे, पकड़ेंगे, और जिला प्रशासन के द्वारा बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी।